सर यहाँ पे वन मोर Look here. Look. Yes, sir. One more pose. In your left. Look here. Look here. Look here. किसको नहीं होती है अगर ऐसे आप स्टेज पे हो. दादा साहब फाल्के अवार्ड इट्स अ वेरी प्रेस्टीजियस अवार्ड और खुशी तो हमेशा ही होती है और जब जीतते हैं तो और भी ज़्यादा खुशी होती है. एंड यू फील होपफुल दैट यू आर डूइंग समथिंग राइट एंड यू इम्पार्ट होप कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो जिन जिन के सपने हैं वो भी पूरे हो सकते हैं. यार लोग बहुत अच्छे हैं यार. मैं वो कहूँगा कि लोग बहुत अच्छे हैं. इतना प्यार दिया है मुझे इंडस्ट्री के पहले दिन से लेकर आज तक और अभी भी देते आ रहे हैं. आई फील मैं जहाँ हूँ ऑडियंस की वजह से हूँ. अगर वो प्यार नहीं दे तो कोई भी कहीं नहीं पहुँचता है. सो आई रियली वॉन्ट थैंक एवरी वन हु सपोर्टेड मी स्पेशली इवन यू गाइज. यू गाइज ऑलवेज कम एंड खुशी खुशी मेरा इंटरव्यू लेते हैं. सो थैंक यू. यार मेरी शादी हो गई. अगर इस तरीके शो करूँगा तो मेरी बीवी मेरा जान ले लेगी. तो नहीं ये ऐसे शोज यार सब जानते हैं मेरी शादी हो गई है तो शायद आएगा भी नहीं ऐसे शोज के लिए अप्रोच. थैंक यू गाइस. थैंक यू. लगता है और ख़ास बात मैंने ये देखी इस अवार्ड फंक्शन में कि हमारे नेपाल मूल के लोगों को भी बुलाया गया उनको भी सम्मानित किया गया. ये अच्छी बात है क्योंकि पड़ोसियों का हक भी बनता है. और जैसे याद किया अखिलेश जी ने बुलाया बहुत अच्छा लगा. दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला बहुत बहुत शुक्रिया. और ये हमारे दोस्त अजय सिंह
इनको भी सोशल वर्क की दुनिया में अवार्ड मिला, कुछ कहेंगे? यस, हेलो मुंबई, हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अजय सिंह एंड आई एम वेरी ग्लैड टू रिसीव दिस अवार्ड. आई एम फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम द मोस्ट इमेकुलेटेड सिटी ऑफ इंडिया एंड रियली थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गुड, थैंक यू. हाँ, बस दुआ करिए, शाहिद कपूर की फिल्म आ रही है राम और श्याम, तो उसके लिए अब शॉर्टलिस्ट तो हुए, अब देखते हैं मंजिल कहाँ तक पहुँचती है. उनके दोस्त का रोल है, डबल रोल है शाहिद साहब का, तो देखते हैं, कोशिश करिए. ठीक, ओके. मैम, सबसे पहले कंग्रेचुलेशन, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है दादा साहब फाल्के, बैक टू बैक आपको हमेशा से मिलता जा रहा है, क्या कहना चाहोगे इसके लिए? आई थिंक मैं आ भी पा रही हूँ, जो वेब शो है वो रिलीज हो चुका है एंड थोड़ा सा मेरे पास अभी टाइम है, of style and fashion, which is a thing now, I think, related to me, so thank you. Next, aap mereko dekh sakte hain Amazon India ka ek show aayega, usme aap dekh sakte hain, jiska naam hoga Adhura, jo ki Nikhil Advani bana rahe hain. Uske baad Viacom ke liye bhi maine abhi ek show series, dono series hai, OTT series hai, dusri series khatam kari hai. उसके डिटेल्स आपको मेरे इंस्टाग्राम साहिल सलाथिया पे मिल जाएंगे, मिलते रहेंगे. थैंक यू. लुक किधर हो गया यार. मैम मैम Yes, come please. लुक किधर बेस्ट एक्टर का नेगेटिव रोल बहुत बहुत अच्छा लग रहा है एंड ये नाम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आता है.
और साथ ही मुझे एक बिलीफ भी देता है कि मैं और ऑनेस्टी के साथ काम कर सकता हूँ. आई कैन वर्क विद मोर ऑनेस्टी एंड बिलीफ ऑन माई सेल्फ एज वेल बिकॉज मुझे इसको लिव अप टू करना है एंड या आई डू इट. वेल बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई वुड से फैंस का लव इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट. किसी भी तरह की रिकग्निशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पर्सन, नॉट ओनली एन एक्टर. एंड स्पेशली दिस दादा साहेब फाल्के अवार्ड, इट बिलोंग्स टू यू गाइज एंड ऑल्सो टू माई टीम, माई डायरेक्शन टीम, प्रोडक्शन टीम एंड ईच एंड एवरी क्रू मेम्बर हु वर्क्स वेरी हार्ड ऑन द सेट. नहीं, आई एम रियली वेरी सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, मैं बिग बॉस नहीं देख रहा. कुछ झलकियाँ देखी हैं मैंने, मुझे अब्दू बहुत क्यूट लगे हैं एंड शोम्बुल को मैं सपोर्ट कर रहा था, बट आई हैव रिसेंटली हर्ड दैट शी इज़ बीन एविक्टेड. मेरे हिसाब से बिकॉज आई वॉच्ड हर एज एन एक्ट्रेस, तो निमृत आई गेस वुड बी माई पिक. थैंक यू सो मच.